दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज से मैंने स्टार्ट कर दी अपने घर की दिवाली की सफाई। तो देखते हैं, आज शुरू करते हैं। देखिए घर अभी कैसे फैला हुआ है। और बल्कि सुबह के बज रहे हैं 10। ब्रेकफास्ट कर लिया है और देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है घर का। देखिए ये स्टेयर्स मंगाइए फैन वगैरह साफ़ करने के लिए। किचन का तो आप देख ही लीजिए, किचन का तो क्या ही हाल हुआ पड़ा है। देखिए सबका बुरा है। वो वाला रूम थोड़ा ऐसे हुआ पड़ा है अभी। और देखिए यहाँ ये अभी हमने यहाँ छोड़ रखा है। बेड वगैरह सब ऐसे हुआ पड़ा है। तो चलिए सफाई करते हैं। देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है इसके ड्रेसिंग टेबल का। अभी इसे तो सबसे पहले इसे ही साफ करूँगी मैं। इसे सारे सामान ये इसमें से निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैं अपना पूरा ड्रेसिंग टेबल वो खाली कर रही हूँ, सारा सामान इसमें से निकाल दूँगी। फिर मैं पूरा कपड़े से साफ़ कर रही हूँ ताकि जब सामान लगाऊं तो सब अच्छे से लग जाए साफ़ सुथरे से। अब यहाँ पे मैंने ये टैडी लिया है जो आपको मैं दिखा रही थी। अब यहाँ बाहर मैंने टैडी लगा देती हूँ मैं अपने, अंदर फिर सारे अपने तेल ऑयल वगैरह सब मैंने इसमें रख दिए हैं। ये ऊपर क्या है, मैंने एक वो मेरे पास बड़ा था कपड़ा रखा था अच्छा सा, जो टेबल वगैरह पे बिछाते हैं, तो वो मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बिछा के ऊपर सामान रख दिया है। थोड़ा जैसे आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं, एलिफेंट टैडी हो गए, ये तो एक दो चीज़ें मैंने लगा दी हैं। आप बताइएगा कैसे लगाया मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल, बहुत कम सामान रखा है। और इसमें मैंने अपनी शादी के एल्बम है ये फ़ोटो, वो साफ़ कर रही थी। ये घड़ी मेरे पे लग नहीं रही थी तो मैंने इसलिए इनको बुलाया था कि मैंने कहा आप लगा दो। यहाँ पे मैं अब बेडशीट बिछा रही हूँ ताकि, क्योंकि डस्टिंग वगैरह सब इस रूम की करी हो ही गई थी, इन्होंने करी थी ऊपर से सारी, नीचे से सब क्लीनिंग इन्होंने करी है। मैं सारे फ़ोटो फ्रेम वगैरह और जो काम है वो सारे मैं कर रही थी। देखिए बेडशीट बिछ गई, मुझे बेडशीट बिछा के बड़ी अच्छी लगता है मुझे पूरा बेड अपना। ये देखिए अब यहाँ पे पर्दे हटा रहे हैं क्योंकि अभी मैंने वॉश नहीं किए, इन्हें वॉश करूँगी। अभी मैंने सारे बस उतार के रख दिए हैं। ये मेरे हॉल के हैं पर्दे, तो इन्हें भी मैंने बोल दिया था, मैंने कहा इन्हें भी उतार दूँ, अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। ये है मेडिटेशन वाला रूम है ये मम्मी जी का। अब मैं इसमें आ गई थी, इसमें थोड़ा सामान वगैरह सेट कर रही थी मैं। ये देखिए ये मूडे का टेबल जो होता है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ, क्योंकि मेडिटेशन रूम है तो मैं इस पर बुद्धा वगैरह ये सब चीज़ें रखती हूँ। बुद्धा जी हो गए, फ्लावर हो गया, कुछ एक दो चीज़ें, मम्मी की मेडिसिन का बॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ। तो देखिएगा आप भी ऐसे रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे टेबल जो है, टेबल क्लॉथ है मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं कभी कोई बिछाती रहती हूँ, क्योंकि मम्मी जी के टाइम के हैं शायद ये, मम्मी जी ने बहुत संभाल के रखे हुए थे, तो इसलिए मैं अभी यूज़ में लेती हूँ इन चीज़ों को। ये मम्मी जी का मेडिटेशन का बॉक्स था ये वाला जो भी मैंने रखा है, ये इसमें स्टोन वगैरह थे ये, और ये मम्मी जी पापा जी की फ़ोटो थी जो मैं आपको भी दिखा रही थी, पहले की पुरानी फ़ोटो थी ये। मैं अब इसमें बुद्धा जी साफ़ करके मैंने यहाँ पे लगा दिए। बुद्धा जी मैंने मीशो से मंगाए थे, बहुत ही प्यारे हैं, अच्छे भी हैं, मैंने मेडिटेशन रूम के लिए ही मंगाए थे। मैं एक मेडिटेशन रूम में एक ये मैं नीचे बना रखा है मैंने, ये गद्दे मेरे थे तो वो गद्दों पे कोई सोता नहीं था, तो इसलिए मैंने वो गद्दे नीचे बिछा दिए। अब इस पे ये मतलब दो गद्दे हैं ये, मैंने एक के ऊपर एक करके उस पे सिंगल बेडशीट बिछा देती हूँ। आप देखिएगा बहुत ही प्यारी लगती है। अब मैं यहाँ पे बेडशीट बिछाने के बाद इस पे पिलो लगा दूँगी। बहुत आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है रूम। बल्कि जो मेरे घर पे आते हैं सबसे ज़्यादा रूम जो भी कहता है कि हाँ ये रूम सबसे अच्छा लग रहा है, वो मेडिटेशन वाला ही रूम बोलता है। हालांकि इस रूम में कुछ है भी नहीं, बस यही मेडिटेशन रूम में गद्दा हो गया, ये दो चार चीज़ें ही मैंने रखी हुई हैं। आपको भी दिखाऊंगी किसी दिन दिवाली पे, मैं होम टूर भी कराऊंगी, जब आप बताइएगा आपको कौन सा रूम अच्छा लगता है कौन सा नहीं। ये मैंने छोटे छोटे पिलो ले रखे हैं तो इन्हें मैं यहाँ पे यूज़ में ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे दो पिलो ये वाले लगा दूंगी, ये मेरे हस्बैंड वाइफ का ये दोनों पिलो हैं, एक बड़े के आगे छोटे छोटे करके मैंने ये लगा दिए हैं। बहुत सुंदर भी लगता है ये।
आप भी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप भी बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये। ये देखिए बुद्धा जी, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये बुद्धा जी। ये देखिए ये मेडिटेशन का है, ये जहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं, मम्मी जी मेडिटेशन करती हैं। आप प्लीज़ जिसके भी घर में कोई भी मेडिटेशन अगर करता है तो ये चीज़ आप प्लीज़ ज़रूर बिछाइए, क्योंकि बेड वगैरह पे मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। अगर उसका एरिया अलग होगा तो बहुत अच्छा रहता है, मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से लग जाता है और ये देखने में भी बड़ा प्यारा लगता है। ये जो भी मेरे घर में आते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया, वो जो मेडिटेशन करते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं, हम भी घर पर जाके ऐसे ही बनाएंगे। ये साड़ी जैसे पुरानी साड़ियाँ होती हैं वो ही मैंने जो रिटायर कर दी थी साड़ी, जो मैं नहीं पहनती वो साड़ी मैंने यहाँ पे यूज़ में ली है। ऐसा नहीं है कि मैं नई साड़ी लेके आई हूँ, कोई भी सामान इसमें से ऐसा नहीं है कि जो मैंने नया ख़रीदा हो। जो भी घर में यूज़ में आती हैं चीज़ें वही हैं। छोटे छोटे गद्दे जो होते हैं वो मैंने इसमें यूज़ में, वो घर में नहीं आ रहे थे तो मैंने इसलिए वो दो तीन गद्दे यहाँ नीचे बिछा दिए, उसके ऊपर वाइट कलर की बेडशीट बिछा दी थी और उस ऊपर से वो पुरानी साड़ी और पिलो। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिए ज़रूर। ये मैं आ गई हूँ शुभी के रूम में, ये शुभी का रूम भी बड़ा गंदा हो रहा था क्योंकि इन्होंने ऊपर से पंखे वगैरह साफ़ करे थे, फिर बाद में मैंने डस्टिंग वगैरह करके ये बेडशीट बिछा दी नई सारी डस्टिंग करके। देखिए कितनी प्यारी लग रही है बेडशीट बिछ के, तो रूम और ही अच्छा लगता है। आगे की वीडियो आप देखिएगा अगले व्लॉग में।